बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ खाना मंसा शहजादी। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। वी आर रीडिंग 5+ इंग्लिश रीडिंग बुक। टुडे वी आर रीडिंग पेज नंबर 14। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। फिल इन द ब्लैंक विद ए आर एंड। आज हम, जैसे कि हमने कॉन्सनेंट और वोवल्स के बारे में पढ़ा था, इन वर्ड्स को भी हम यूज़ करते हुए आज करेंगे ए और एन का यूज़। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? इट इज़ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, यस, इट इज़ एन अम्ब्रेला। इट इज़ डक, यस, इट इज़ अ डक। इट इज़ डैश कार, कार, yes, it is a car. It is ice cream, yes, it is an ice cream. It is ball, yes, it is a ball. It is apple, yes, it is an apple. Very good. जिन words के beginning sound consonant होते हैं उनके साथ हम ए यूज़ करते हैं, और जो कॉन्सनेंट नहीं होते, वॉवल्स होते हैं, उनके साथ हम एन लिखते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर एंड राइट सेंटेंस। इट इज़ एन एलिफेंट। ये तो लिखा हुआ है, अब इस पिक्चर को देखें। इट इज़ अ पैरट, वेरी गुड। It is an egg, very good. It is a tree, very good. जैसे टीचर्स, मैंने इसमें कुछ सेंटेंस लिखने के लिए बच्चे को कहा है, उसको कंप्लीट तस्वीरों को देख के करने को कहा है, इसी तरह से आप भी कुछ पिक्चर्स जो हमारे पेज, जो कि हमारी बुक में कुछ तस्वीरें दी गई हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, आप उनको यूज़ करके क्लास में बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ताकि बच्चे पूरा सेंटेंस ए और एन के यूज़ के साथ लिखना सीख जाए। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।